केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। बरसात सिर पर है, जबकि नगर निगम और छावनी परिषद सोया हुआ। नालियों की बात तो छोड़िए, शहर के प्रमुख नाले उफन रहे हैं। ऐसे में बरसात होने पर शहर को भारी जलभराव से जूझना पड़ेगा, यह भी तय है। बीते दिवस जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने सभी प्रमुख नालों का निरीक्षण किया, तो यह समझते देर न लगी कि दोनों ही जिम्मेदार विभागों के नौकरशाह बस नौकरी बजा रहे हैं, वह भी तब जबकि होर्डिंग्स पर स्वच्छता अभियान चल रहा है। आज मीडिया से जिले के प्रभारी मंत्री रूबरू हुए। पहले उन्होंने अपनी सुनाई, फिर पत्रकारों की सुनी, लेकिन जैसे ही थोड़े तीखे सवालों का सिलसिला शुरू हुआ, वह भी खड़े हो गए। हाँ, इतना जरूर कहा कि उन्होंने सारी मशीनरी को 30 जून तक शहर के नाले व नालियों की तली झाड़ सफाई करने के निर्देश दिए हैं, यानी 30 जून तक ये सफाई हो जाएगी। कोई परीक्षा पेपर लीक बिना भी हो, इस सवाल पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि यूपी में सीएम योगी ने ऐसी परीक्षा कराने वाली एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। देखिए क्या कहा प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने मीडिया से। मेरठ में कावड़ यात्रा बहुत प्रभावशाली ढंग से यहाँ के लोग मनाने का काम करते हैं, तो मेरठ में कावड़ यात्रा मेरठ से लेकर हरिद्वार तक कावड़ियों को किसी भी तरीके की असुविधा ना हो, इसके बारे में बातचीत की गई है। साथ ही कावड़ यात्रा में भाग लेने वाले सुरक्षित रहें, कहीं कोई दुर्घटना ना हो, प्रशासन चाक चौबंद होकर काम करने का काम करेगा। दूसरा, जल शक्ति मिशन में जो अभी जनपद में कठिनाई है, पानी भी टोटियाँ वगैरह नहीं लगाई गई है, इसे लगाने के निर्देश दिए गए हैं, और जो सड़कें खरंजा इत्यादि तोड़ दिए गए हैं उन्हें ठीक करने का काम किया गया है, और जो अवैध कॉलोनियां हैं उनको भी ठीक करने के बारे में मेरे द्वारा बताया गया है। साथ ही यहाँ जो गोचर भूमियां हैं उन्हें कब्जा से मुक्त कराकर चारा बुवाई करने का भी आदेश दिया गया। पशुपालन से किसान की आय में वृद्धि हो, इसके बारे में विभाग को निर्देशित किया गया है। जनपद में खेती, सिंचाई, उद्योग, श्रम कौशल ठीक से बढ़े, इसके प्रबंध करने के बारे में आज मीटिंग की गई। मंत्री जी, मेरा ये सवाल है, आपने समीक्षा बैठक भी करी होगी या करेंगे, बहुत से जिलों में समीक्षा बैठक हो भी चुकी है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो चुनाव हुए लोकसभा के उसमें जो सीटें कम आई हैं उसको लेकर मंथन हो रहा है, चिंतन हो रहा है। मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में 6 बार मुख्यमंत्री का दौरा लगा, प्रधानमंत्री यहाँ से होते हुए, लेकिन फिर भी 10,500 वोटों से जीती, वो भी तब जब राम का किरदार निभाने वाले को कैंडिडेट बनाया और राम में पूरा देश हो रखा था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। क्या चिंतन, क्या मंथन, क्या बैठकों में होता? देखिए, राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते, जनादेश का हम लोग सम्मान करते हैं और उच्च स्तर से इसकी समीक्षा भी हो रही है। आपके प्रश्न को गंभीरता से पार्टी ने लिया है, ये सभी के जहन में है, आपने प्रत्याशा किया है, इसके लिए धन्यवाद देते हुए पार्टी ने निरंतरता में इन बातों को ध्यान में रखा और आगे आने वाले समय में सब ठीक और वहाँ पर जो सिरोटिंग का माल आ रहा है वो कहाँ पट रहा है, जो पशु आ रहे हैं वो कौन लेके आ रहा है, उसका कोई पता नहीं, बीमार पशु है, कोई निगरानी आपका ठीक है, इसको हम प्रशासन को गंभीरता से आकर बातचीत करके इसको निस्तारण कराएंगे और अवैध मांस की दुकानें जो चल रही होंगी उन्हें बंद करा।
नगर निगम, आपने अभी कहा कि बारिश आएगी उसके बाद जल भराव की समस्या होती है, नगर निगम जो है वो सफाई करा रहा है इन दिनों। एक नेहरू नगर इलाका है यहाँ पर जो गांधी आश्रम है उसके पास, वहाँ पर नगर निगम के नाले के किनारे बड़ी तादाद में अतिक्रमण है, लोगों ने घर बना दिए, वहाँ फोकलैन नहीं उतर सकती। इसी तरीके से आप देखेंगे गंगानगर थाने के सामने जो नाला शुरू होता है और बीएनजी स्कूल किला परिषदगढ़ रोड तक जाता है, वहाँ पर एमडीए जो है वो नाले के किनारे ही बहुत ऊंची दीवार लगा के एक प्रोजेक्ट बना रहा है, वहाँ पर सफाई नहीं हो सकती। और बहुत बड़ी तादाद में जो कूड़ा है नगर निगम का वो वहाँ पर डाल के और किनारे उसके बंद किए जा रहे हैं। पानी उसमें कम से कम 40% शहर का पानी उसी नाले से आता है, उसकी सफाई कैसे होगी? बारिश में अगर वहाँ पर जल भराव होता है तो कितनी बड़ी आबादी उससे प्रभावित होगी? यही हमने भ्रमण किया है, आंखों से देखा है। ये बात सही है कि जो नाले हैं उनमें पेड़ खड़े हैं, बहुत ज़्यादा झाड़ झंकार भी हैं, इन्हें काटने को कहा गया, काटेंगे भी। और जहाँ कहीं भी अतिक्रमण है उस अतिक्रमण को भी ठीक किया गया। अच्छा सर, जो मीटिंग यहाँ पे आपने ली थी उसमें शिकायतों के बड़े अंबार थे, तमाम शिकायतें यहाँ पे, कौन सी ऐसी बड़ी शिकायत है जिस पे आपकी तरफ से कहा गया है इसमें हम लोग ये करेंगे? वैसे कोई खास शिकायतें नहीं, और ये शिकायत दबाव की और बाकी के तरफ चलती रहती है शिकायतें, तो इनका हम हल चलते। मंत्री जी कल आज निरीक्षण में निकले थे नालों की सफाई को लेकर के, बरसात का सीजन सिर पे है, नगर निगम के अधिकारी हो या कर्मचारी हो या मशीनर हो, सब बिल्कुल मौन है। क्या पूरे शहर को दोबारा बाढ़ में डालने की व्यवस्था बनाई गई है क्या? देखो, बाढ़ की प्रबंधन की है और कल हमने स्वयं ही देखा है, सारी मशीनें काम करेंगी और 30 जून तक मेरा नंबर आपसे है, 30 जून तक मेरठ नगर के सभी नाले नालियाँ साफ सुथरे आपको दिखाई देंगे, बॉटम से लेकर टॉप तक। मंत्री जी, नालों को कवर कर पक्का करने की योजना है? नालों को कवर कर पक्का करने की योजना है? अभी तो सफाई की बात कर रहे हैं। अच्छा सर, जैसे नीट परीक्षा है, आज कांग्रेस ने जगह जगह पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया, पूरे देश में, मेरठ में भी कलेक्ट्रेट पे कहा था और सीधा कहा कि युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहते इसलिए परीक्षा लीक करा देते हैं और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, एनटीए पर भी तमाम सवाल उठाए हैं। आपको नहीं लग रहा कि बार बार जो एग्जाम है परीक्षाएं लीक हो जाती हैं, रद्द हो जाती हैं, छात्रों का भविष्य भी अंधकार में है, परीक्षा दो साल मेहनत करते हैं और फिर अचानक से आ जाता है, छात्र छात्राएं रो भी रहे हैं कि आखिर कैसा होगा, यहाँ क्यों नहीं रोक पा रहे? आपको नहीं लगता बड़ा फेल्यूर है? मामला गंभीर है, हमारे माननीय मंत्री जी ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है, साथ ही जो पेपर लीक हुआ है सब आउट हो गया है, बिहार से किस मंत्री का हाथ है क्या है आपकी मीडिया पर भी चल रहा है, और इस पर सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी और हमारे सभी शिक्षा मानव संसाधन मंत्री गंभीर हैं। बच्चों का हित बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चे हमारे देश का भविष्य है, इनका भविष्य अंधकार में नहीं जाने के लिए। बिहार वाला जो मंत्री है, इसको गिरफ्तार करेंगे सर? जो गलती करेगा उसको निश्चित रूप से दंड मिलेगा, इससे कोई बकस नहीं। सर, लगातार वाले घर में मंत्री जी, आने वाले दिनों में दीपावली भर्ती परीक्षा होने वाली है, क्या ये माना जाए सरकार ये गारंटी देती है कि अब कोई पेपर लीक नहीं होगा? और आप जिस तरह आपने कहा कि नहीं, छात्रों के उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो परीक्षा कराते हैं उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया, और अब ऐसी स्थिति आएगी योगी जी बक्सेंगे नहीं, योगी सरकार ब्लैक लिस्टेड कर देगी। आपके आने का धन्यवाद।